थैंक यू सर बहुत सारे ले लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग। पीछे से शुरू करके बताते हैं आपको, हम थे वर्धा महाराष्ट्र में, बापू कुटी में रुके हुए थे और अभी लेटेस्ट मैं आ गया हूं तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में। और सामने आप लोग देख रहे हो ये विशाल भाई जो कि मेरे लिए कुछ फ्रूट्स मेरे को खरीद कर दे रहे हैं। और मैं आ चुका हूँ आदिलाबाद में और दोपहर के 3 बज रहे हैं। यहाँ से होता हुआ मैं पहुँचूँगा इचौड़ा में और आज रात को इचौड़ा में एक मंदिर में रुकने वाला हूँ। तो गाइस अभी हमारा टाइम है फिलहाल इनसे परमानेंट बाय बाय लेने का। अब पता नहीं था इनको वहाँ से कभी बुलाता तो लेकिन हम व्हाट्सएप पे हैं, बातचीत करेंगे और चाहेंगे कि आप लोग सपोर्ट दें पूरा। हमारे नए दोस्त भी हैं, मित्र खड़े हुए हैं पीछे, तो मैं अभी निकलता हूँ और किसी तक करेगा कौन सा ये फोटो बोल रही है। तो गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर कहाँ आ गया हूँ, ये क्या हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था उस दौरान तब आ गए थे नवरात्रे। जी हाँ, विजयदशमी का जो पर्व दशहरे का पर्व आता है ये वो ही नवरात्रे आए थे। तो तेलंगाना में एक रिचुअल्स होता है कि लोग जिस प्रकार गणपति जी की स्थापना करते हैं जगह जगह गली मोहल्ले में मंदिरों में, उसी प्रकार माता जो दुर्गा माता होती है उनकी भी यहाँ पे इसी प्रकार प्रतिष्ठा की जाती है। और 9 से 10 दिनों के लिए जो इनकी सेवा करते हैं, जैसे कि आप लोग अभी वीडियो में देख रहे हो, इस तरीके के कपड़े ग्रहण करते हैं जो कि आने वाले 10 दिन तक ऐसे ही पहन के रखते हैं। प्रॉपर उसी पंडाल में यहाँ पे रहते हैं, वहीं भोजन पानी करते हैं, सुबह को नहा धोकर माता की पूजा करते हैं। एक नया रिचुअल मुझे देखने को मिला यहाँ पर तेलंगाना के इचौड़ा में। और आप सामने देख रहे हो, ये देखो माता की प्रतिमा और किस प्रकार से आरती की जा रही है, आप भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब समय आ गया था भोजन ग्रहण करने का, प्रसाद को लेने का। तो मैंने प्रसाद ग्रहण किया है। प्रसाद ग्रहण करने में मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा था। स्पेशल यहाँ की खीर जो मैंने खाई है, बहुत ही टाइट सी खीर जो कि खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं, कि जो तेलंगाना के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मिर्च वाला खाना खाते हैं, लेकिन इनका खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। लेकिन मैं तो गाइस बहुत कम मिर्च वाला खाना खाता हूँ। लेकिन ये एक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको पता लगे हमारे देश के टेस्ट के बारे में कि कहाँ के लोग किस तरीके का खाना खाते हैं। खाना बहुत अच्छा खाते हैं। आलू की सब्जी बनाई हुई थी, चावल थे, उसमें सब्जी थी, खीर थी। तो इस तरीके का बहुत सारा भोजन मैंने ग्रहण किया है। साथ में बच्चे आप लोग देख रहे हो कितने ज़्यादा उत्साहित हैं, देख रहे हैं। और माता की तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये प्रतिमा यहाँ पर आई थी मेरे सामने और ये लगभग 9 दिन तक, नवमी तक यहाँ पर रहेंगी। और मैं तो सिर्फ आज के लिए यहाँ पर रुका हूँ, कल को मैं निकल जाऊँगा और शाम को आपको दिखाएंगे डांस यहाँ का।